हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। आई एम एट माय न्यू प्लेस टुडे, बट मैंने घर के लिए बहुत सारा सामान ऑर्डर करा था। होम डेकोर हॉल, गेट रेडी इफ यू वांट टू शॉप समथिंग फॉर योर होम, सम यूजफुल आइटम्स, सम वेरी क्यूट आइटम्स एंड इफ यू लाइक एस्थेटिक आइटम्स, दिस हॉल इज गोना बी अबाउट दैट। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरी बैटरी लो रही है, वाओ। जब तक चल सकती है बैटरी गाइज हम चलाएंगे ना, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान पड़ा है, और आई एम गोना शो यू गाइज व्हाट आई गॉट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. The first thing that I got is from this brand, and ये ना इसकी वेबसाइट भी है, मुझे एक्चुअली Amazon से पता लगा था। This is the brand Nestasia. I got this plate. इसमें एक्चुअली आप मतलब ब्रेड खा सकते हो, and it's such a cute plate. इस ब्रेड की शेप में है, and Aditya actually likes to have bread on a daily basis. वो ब्रेकफास्ट में रोज ब्रेड खाता है, so I got this for him. I thought this was so cute, and it says good day. Next up, I got this bath salt. अभी हमारा बाथ टब आने वाला है, उसके लिए मैंने बाथ सॉल्ट करा है। I can't even tell you मैंने बाथ टब के लिए कितना लंबा वेट करा है। हमारे घर पे पहले बाथ टब था, मेरी मॉम के वॉशरूम में था, उन्होंने रिमूव करवा दिया था। But I really want a relaxing bath, और जब आएगा ना फर्स्ट डे मैं यही करने वाली हूँ। I'll do it quickly so that you can see lots of stuff and जल्दी जल्दी आप देख पाओ। So the next stuff that I got, oh god guys, मैंने इतनी नाइट्स वेस्ट करी है ना अपनी, मैं बता नहीं सकती हूँ। Like can't even tell you मैंने कितनी रातें वेस्ट करके एक आइटम डाल के फिर उसको डिलीट करा है। But this is the next item that I got. This is actually a very cute mug, और इस पर ना ऐसे वुडन की कवर है। यूजुअली क्या होता है जब भी आप पुडिंग खा रहे होते हो, जैसे मुझे चिया पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, या मैं कभी भी कुछ भी खा रही होती हूँ ना, तो उसके ऊपर एक लिड ढूंढनी पड़ती है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन। इस पर साथ में स्पून भी है, कप भी है। अगर आपको यूजुअली कॉफ़ी भी पीनी है, यू कैन रिमूव दिस एंड हैव कॉफी। दिस इज लाइक सो क्यूट एंड इट्स ट्रांसपेरेंट, एस्थेटिकली प्लीजिंग। मेरा सारा किचन का ना और घर का सारा एस्थेटिक इज ऑल वाइट, बेज एंड दिस wooden color. Really happy about that. Vase होता है, वास होता है, pronunciation check कर लेते हैं। Don't want people to call me out. I think it's vase only, but YouTube पे रहो तो थोड़ा डर के रहना पड़ता है, लोग call out कर देते हैं। Vase, मैंने सही बोला है। मैंने एक कैंडल ली थी, उस सब लोगों को बहुत पसंद आई थी, बट एक दो उसमें से कॉमेंट्स आए थे कि वो जैसे सो वियर्ड, इसमें बॉडी बनी हुई है किसी की, ये वो। बट आई रियली लाइक दिस एब्स्ट्रैक्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग आर्ट। आई गॉट दिस वेज, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं डोंट कॉल मी आउट। आई गॉट दिस वेज एंड इट्स सो क्यूट। ये किसी को क्यूट नहीं लग रहा होगा, आई डोंट नो, बट मेरे को बहुत क्यूट लग रहा है। गॉड इज अ वुमन, एम्पावर्ड, ब्यूटीफुल, फेमिनिन एनर्जी इन द हाउस। सबने कर रखा है एक ना एक बार अपनी लाइफ में ऐसा। ओके, एज यू गाइज नो हम ब्रेड से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे पास ब्रेड की एक और आइटम है। एंड डोंट वरी गाइज, आई एम गोना लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो दैट यू कैन ऑल्सो ऑर्डर। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एलिमेंट्री। आई गॉट दिस ब्रेड बास्केट, सच अ क्यूट बास्केट, एंड इसमें एक क्लॉथ की कवरिंग है। मुझे ऐसे प्लास्टिक वाले आइटम्स ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे अच्छा लगता है लाइक स्टील, ग्लास और ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज ऑल्सो very cool, matches the vibe guys. Really sorry the light is changing outside and I hope the voice is better now, because मैंने फ़ोन में voice recording on कर दिया so that crisp हो ये video और आपको सुनने और देखने में मत बहुत weird sound कर रहा है, but it's okay. The sun is going up and down and up and down. Okay, next up I think ये transparent glasses हैं, ये देखिए आलस से ये jars हैं, ग्लास और जार सब कुछ है गाइस। आई थिंक ये लिड वाली चीज़ बेस्ट है, सो इसलिए मैंने आई थिंक ये ग्लासेस भी इसलिए मंगवाए थे कि मैं इसको कवर करके रख सकूँ। सो आई गॉट 2 जार/कप्स। और नेक्स्ट अप आई रियली लाइक दिस वन, एंड आई थिंक अपनी ना मॉम को भी पहले बोलती थी कि ना आप फ्रिज में ना ऐसे ग्लास ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखा करो स्टोरेज बॉक्सेस के लिए, एंड आई गॉट 2 ऑफ देम। और मम्मा कभी मेरी सुनती नहीं थी, बट अब मेरे पास अपना फ्रिज है, मैं बड़ी हो गई हूँ। I got these 2 large containers and आप इसमें vegetables रख सकते हो, fruits रख सकते हो, and काफ़ी ज़्यादा storage है, and इससे ना आपका फ्रिज काफ़ी clean और organized लगता है। या वैसे एक के ऊपर एक अगर डाल दो ना, तो भी aesthetically कितना pleasing लगेगा और सब कुछ इतना clean लगने वाला है। I hope I maintain that। अभी तो बहुत शौक में मैंने चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, पर check up on me guys, अगर मैं messy रखूँ call me out, I give you full responsibility, but थोड़ा प्यार से okay। कभी कोई मैं ऐसे वीडियो करूँ guys जो मैं चुप बैठी हूँ बस, और चुपचाप बस ऐसे खोल के एक ट्राई करते हैं, ठीक है। आज मेरे में पता है इतनी एनर्जी, और मैं ऐसे धो के करूँ क्योंकि आई बीन सो सैड फॉर सो मेनी डेज। नॉट टू बोर यू गाइज, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इन माई ब्लॉग, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप एंड सिट एंड थिंक अबाउट एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, एंड अपने आप को फोर्स कर रही हूँ स्टूपिड जोक्स मारने के लिए कि मैं फालतू चीज़ें ना सोचूं, एंड मैं ओवरथिंक ना करो और ना मैं सैड या क्लियरली मैं चुपचाप प्रोडक्ट नहीं दिखा सकती हूँ गाइस, दैट्स नॉट हु आई एम. You believe in authenticity. Next up, I got this glass tray. काफी dirty हुई है but you can also use this as a serving tray. मैं इसमें jewelry रख सकती हूँ. I can keep some fruits also. मैं इसको fridge में भी रख सकती हूँ. So this is what it looks like. Really, really cool. Next up, oh, it's a cute one. मैंने order करा है. So cute but मुझे लगा था जब मैं इसमें कुछ डालूंगी तब इसका कलर चेंज होके बेयर का कलर आ जाएगा बट ये एक्चुअली ऐसा है, ये अपसाइड डाउन है, इस पे बेयर बना हुआ है एंड यू कैन ड्रिंक कॉफी एंड ओ. नेक्स्ट अप गाइस, मैंने ना यूजफुल चीज़ें भी मंगाई हैं एक्चुअली, ऑलिव ऑयल, विनेगर और भी चीज़ें जो आपको किचन में रखनी होती है और गंदी गंदी सी बॉटल्स होती है और आपको ऐसा नहीं रखना होता, तो आप इसको इस कंटेनर में शिफ्ट करके किचन में रख सकते हो एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. इसके साथ ना जिससे आप ट्रांसफर कर सकते, ये तो इसकी कैप्स हैं बट इसके साथ आप शिफ्ट भी कर सकते हो. दिस इज वॉट इट्स गोना लुक लाइक. बट इसके साथ ना इन्होंने कंटेनर शिफ्ट करने के लिए भी दिया था, फाइनल वगैरह. हाँ एंड देन इन्होंने साथ में दो ब्रशेस भी दिए हैं ऑयलिंग पैन पे करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको चाहिए. एंड हमारे पास स्पाइस जार कंटेनर्स भी हैं. वाओ, लव्स इट. नेक्स्ट वी गॉट दिस. बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगेगा बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली एंड वेरी यूजफुल. ये ना आप अपने सिंक के ऊपर रख सकते हो ऐसे. I'll keep a picture on the side. इस पर आप जो अपने utensils wash करके you can keep them here, dry करने के लिए या fruits vegetables wash करने के लिए. Really amazing guys, मैंने अच्छा सामान मिला. I'm proud of myself. Next up I got this टिश्यू होल्डर. ये आप काउंटर पे रख सकते हो एंड उस पर आप टिश्यू पेपर रख सकते हो एंड काफ़ी काम आता है, यूज़ होता है ऑब्वियसली. इट्स वेरी कन्वीनियंट, एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड दिस व्हाट इट लुक्स लाइक. ये बहुत बेसिक है बट गोज विद द वाइब दैट आई वाज लुकिंग फॉर. वेरी क्लासी, वेरी शीक. These cute mugs. Oh oh. And मैंने चॉपर भी मंगवाया है. देख रहे हो guys, Kritika has changed a lot. ये मिनी चॉपर है जिसपे काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे. मैं यूज़ करके बताऊंगी वैसे एक्चुअली था कैसा है. This is actually so cute and it's pink, blush pink actually. And obviously it's a mini chopper. अगर आपको कुछ छोटा मोटा चॉप करना है, गार्लिक, अनियंस, एक दो और टमेटोज, तो you just press this button and oh, on हो रहा है. अभी तो ऑब्वियसली कुछ है नहीं इसमें. बचपन से ना आई वाज ऑलवेज सो स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग. मुझे हमेशा ऐसा लगता था मेरी फिंगर आ जाएगी एंड कट हो जाएगी. दिस इज, यू जस्ट प्रेस दिस एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो फॉर यूटेंसिल्स आई वांटेड दिस ब्लश पिंक वाइब एंड मुझे सारा वही चाहिए, तो मैं पैन्स अभी भी ढूंढ रही हूँ. अगर किसी को मिले प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिंक भेज देना. एंड आई गॉट दीज बोल्स एंड प्लस ये टूटेगा भी नहीं, which is a must क्योंकि मैं बहुत clumsy हूँ and मैं बहुत सारा सामान गिराती रहती हूँ. And I got matching plates. So pretty. This is what it's like. Be pretty. This is what. Aha. Home decor item नहीं है but I still wanted to show you guys. मैंने coffee machine मुझे दीक्षा ने gift करी थी. मैंने उसके लिए ये coffee pods order करे हैं and ये Starbucks का है. मैं घर पे बनाऊंगी. If it works out, I'm gonna save a lot of money. So I hope this works out and इसका taste exactly similar हो. But yeah, love Starbucks. I got these very cute bottles. Especially ना इसमें आप cucumber और tomato और ऐसे डाल के ना जैसे detox water रख सकते हो बना के एंड वो बड़ा ऐसे आप देखते हो ना आपको मन करता है पानी पीने का. So I got these bottles. Oh, I got this very cute coffee jar slash container. So I got these. एंड ये इतना क्यूट सा नोट दिया है इन्होंने ग्लास स्ट्रॉस के साथ. होप यू लाइक अ प्रोडक्ट, इट विल हेल्प आर स्मॉल स्टार्टअप टू ग्रो बट प्रमोट ओनली इफ यू लाइक द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. सो अमेजिंग. आई एम डेफिनेटली गोना गिव यू गाइज अ शाउट आउट. हियर इज द ब्रांड, गो परचेज इट एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी यूजफुल फॉर एवरीथिंग एंड एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज ना करके रीयूजेबल स्ट्रॉज यूज करो. एंड उसके साथ इन्होंने इसको क्लीन करने के लिए भी दिया हुआ ब्रश. अमेजिंग. Love it. We are almost done guys. Guys, भगवान आज मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं. ये थर्ड टाइम है कि मेरे कैमरा की बैटरी खत्म हुई है. मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगा के आ चुके हैं बट मूविंग ऑन. आई गॉट वन मोर कंटेनर. इसमें भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर कर सकते हो एंड आप पैकेट्स में जैसे आप कुछ भी फ्रोजन अगर कुछ रखना चाहते हो कुछ स्टफ, आई थिंक आप यहाँ पर कैंस वगैरह भी रख सकते हो सो दैट वो एक जगह पर रहें. सो दिस इज फॉर दैट. एंड देन मुझे ये एक्चुअली बहुत यूजफुल लगा था. दिस इज वॉट इट्स एक्चुअली सपोज टू बी लाइक. जैसे अगर आपके पास काउंटर पे स्पेस कम है ना, आप एक के ऊपर एक रख सकते हो सो दैट ये टू लेयर बन जाएंगे एंड आप उसके नीचे प्लेट्स रख सकते हो एंड उसके ऊपर मग्स रख सकते हो. ऐसे पिक्चर में काफ़ी क्लियरली शो करा है इन्होंने. सो रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन. नेक्स्ट अप आई गॉट दीज कंटेनर्स. इसके ऊपर का कहाँ है बट क्या मुझे स्कैम किया गया है? इसके ग्लासेस हैं, इसके ऊपर का नहीं है. आई थिंक किसी और बॉक्स में ना आया हो बट इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस इसका कंटेनर का ऊपर टॉप का वुडन जो क्लोजिंग है वो नहीं मिल रही है मुझे. दिस इज व्हाट लुक्स लाइक. आई ऑर्डर्ड टू ऑफ दीज एक्चुअली द सेम थिंग कॉर्नर कैबिनेट शेल्फ एंड आई ऑल्सो गॉट दिस वन. इट्स कॉल्ड लेजी सूजन. एंड जैसे आप अभी कभी कैबिनेट्स वगैरह में आपने कुछ सामान रखा होता है ना, आपको पीछे पूरा निकालना पड़े सब कुछ, उससे बेटर होता है कि आप ऐसी कोई चीज़ ले लो एंड आप इसको रोटेट कर सकते हो. ये यूजुअली लोग डाइनिंग टेबल पे भी रखते हैं कि इसमें यूजुअली पिकल वगैरह रखा होता था पहले. आई स्टिल रिमेंबर मॉम रखती थी. एंड आप इसको ऐसे रोल कर सकते हो और जो भी पीछे सामान पड़ा होगा वो इधर आ जाएगा. सो दिस इज रियली यूजफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट दी वाइट फ्लावर्स. आई लव वाइट. आई विल शो यू गाइस कैसा लग रहा है वैसे. This is what it's gonna look like. So pretty, so cute. I absolutely love everything that I got except इसके ऊपर का missing है. I'll still try to find it. But मेरा और भी stuff आने वाला है. Let me know if you want a part 2. I can do that for you guys. Or if you want a kitchen organizational video, fridge organizational video, and I will see you in the next one. Bye guys. Also guys, if you're not subscribed to my channel, please do that right now. And I'm gonna give away a few stuff in the next two videos because मैंने unboxing करी है बहुत सारी and I wanna share it with you guys. मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं एक टाइम पे कुछ ही stuff use कर सकती हूँ और जो पड़ा होता है really want to share it with you guys and actually do that with my relatives also. But this one's for YouTube. मैं Instagram पे कर चुकी हूँ 2-3 giveaways, Snapchat पे भी कर चुकी हूँ. So YouTube पे होने वाला है 1-2 videos के बाद. Make sure you're subscribed so that you know when I upload the next video and I'm gonna see you in the next one. Bye guys.